तो ओडिशा रे छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल नेता चरण दास महंत भुवनेश्वर पहुंचा पर दल पक्ष स्वागत संवर्धना दि जाएगी। पीसीसी सभापति चयन दायित्व देती एआईसीसी आज हेब ए चूड़ांत आलोचना। वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन आज ओडिशा आसुछंती। सेपटे हाइकमांड निर्देश में ओडिशा आसी मो पाखे लबी काम देवनी कही चरण दास महंत। सीनियर लीडर ठारु आरंभ कर जूनियर पर्यंत समस्त कथा शुणी चर्चा होता ना प्रभाव पकड़ चरण अन्य राज्यर निर्वाचन परे नवंबर 23 बेलू हाइकमांड पाखे रिपोर्ट प्रदान करी बोली से कहते दीर्घ दिन हेब पीसीसी सभापति पद खाली पड़ता बेले रेस अच्छा मोहम्मद मोकिम भक्तचरण दास जयदेव जेना श्रीकांत जेना प्रमुख। मैं हाईकमान के निर्देश पर यहाँ अपने लोगों से मिलने आया हूँ और ये उनसे जानने सुनने आया हूँ कि यहाँ हम लोग कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार कैसे बना सकते हैं। ये मैं यहाँ के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे पूर्व MLA हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और कितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सबकी बात सुनने के आया हूँ। कोई मन में कुछ और बात लेके नहीं आया हूँ, ये जो कहेंगे उसे मैं ऊपर बताऊंगा। सर, बड़ी चर्चा हो रही है कि लॉबी होगी आपके पास, आपके पास लॉबी काम देगा या नहीं? हमारे पास कोई लॉबी काम नहीं देता, हम बिना लॉबी के आदमी। सर, कब तक रिपोर्ट देंगे आप, मतलब कब तक? देखिए 13 तक तो और 20 तक इलेक्शन है, हम रिपोर्ट देंगे भी तो पढ़ेंगे नहीं, तो अभी तो आराम से इनसे मिलते रिपोर्ट बनाएंगे और 23 तारीख के रिजल्ट होने के बाद हाईकमान से चर्चा होगी, बात करेंगे, वो और कहेंगे कि और जाओ तो और आएंगे, तो चलता रहेगा। ये तो हमारा, हम पड़ोसी हैं आपके, रिश्तेदारी भी है। नाम बड़े चर्चे में है, रेस में है पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए। हर बार होती है, हमारे यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, चिंता की कोई बात नहीं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।